नमस्कार दोस्तों, साडे टेक्निकल अड्डे पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक और लाया हूँ कंपैरिजन, बिल्कुल दो नए स्मार्टफोनों के बीच में। एक तरफ है ओप्पो और एक तरफ है वीवो। ओप्पो ने दोस्तों रिसेंटली स्मार्टफोन लॉन्च किया है ओप्पो A920, वहीं दूसरी तरफ है वीवो का S1, जिसका नया वेरियंट आया है 6 GB रैम और 128 GB मेमोरी वाला। तो दोस्तों करते हैं कंपैरिजन, क्योंकि दोनों की प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है, कंपनीज में भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है दोनों के बीच। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा फ़ोन है ज़्यादा बेटर और कौन सा फ़ोन हो सकता है आपके लिए वैल्यू फॉर मनी। तो चलिए दोस्तों करते हैं एक क्विक कंपैरिजन। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले एंड डिज़ाइन की। तो सबसे पहले बात करते हैं ओप्पो A920 की। तो इसमें मिलेगा आपको 6.5 इंच की IPS LCD डिस्प्ले, वही 3D कर्व डिज़ाइन आपको मिलेगा। सामने मिलेगी आपको एक छोटी सी नॉच। रेजोल्यूशन है इसका HD+ का, यानी 720p वाली डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। एक्सपेक्ट रेशियो है 20:9 का और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ऑलमोस्ट 90% का है। फ्रंट में आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की। तो डिस्प्ले में दोस्तों कुछ खास है नहीं ऐसा, बस उल्टा आपको कम मिलेगा थोड़ा बहुत। और अब बात करते हैं वीवो S1 की। तो इसमें मिलेगी आपको 6.38 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले। रेजोल्यूशन है इसका फुल HD+ का, यानी 1080p वाली डिस्प्ले मिलेगी। और एक्सपेक्ट रेशियो है 19:5:9 का। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ऑलमोस्ट सेम है एज़ कम्पेयर टू ओप्पो A920 20। 90% इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। फ्रंट में प्रोटेक्शन की बात की जाए तो इसमें मिलेगा स्कॉट जेनसेशन का 3D ग्लास। ये ऑलमोस्ट कंपेरेबल है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 से। तो डिस्प्ले में दोस्तों वीवो S1 ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक तरफ इसमें मिलेगी आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो देता है ट्रू कलर, डीपर कंट्रास्ट और नेचुरल ब्राइटनेस। और डिस्प्ले क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है सुपर एमोलेड डिस्प्ले पे। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो दोस्तों ओप्पो A9 में आपको एक 20,000 रुपये के फ़ोन में फुल HD डिस्प्ले भी नहीं मिलती है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। HD डिस्प्ले 20,000 रुपये खर्च करने के बाद अगर आपको HD डिस्प्ले मिल रही है तो ये ज़्यादा अच्छी बात है नहीं। बाकी दोस्तों चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है कैमरा में। तो दोस्तों ओप्पो A920 के रियर कैमरे में मिलता है आपको क्वाड रियर कैमरा। जी हाँ दोस्तों, क्वाड कैमरा का ट्रेंड आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जिसमें दोस्तों आपका प्राइमरी मेन कैमरा है 48 MP का F1.7 अपर्चर इसकी वैल्यू के साथ में। सेकेंडरी कैमरा है 8 MP का, ये एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, F2.2 इसकी अपर्चर वैल्यू है। इससे आप दोस्तों 119 डिग्री तक का वाइड एरिया आप सिंगल शॉट में कैप्चर कर सकते हैं। थर्ड कैमरा है दोस्तों 2 MP का, जो एक पोर्ट्रेट लेने के लिए दिया गया एक पोर्ट्रेट लेंस है, इसकी अपर्चर वैल्यू है F2.4। और चौथा कैमरा है दोस्तों 2 MP का, जो एक मोनो लेंस है, इसकी अपर्चर वैल्यू है F2.4। बस दोस्तों बैक कैमरे की बात हुई, अब बातें हैं फ्रंट कैमरे की। फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा 16 MP का। और ख़ास बात ये दोस्तों, आपको ओप्पो A920 20 में वीडियो स्टेबलाइज़र मिलेगा, मतलब EIS का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही आप इस फ़ोन से आप कर सकते हैं 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। बस दोस्तों ओप्पो A920 20 में कुछ यही था खास, इतना ज़्यादा कुछ खास और है नहीं। बात करते हैं वीवो S1 की। तो इसमें दोस्तों ट्रिपल रियर कैमरा आपको देखने को मिलेगा। प्राइमरी कैमरा है 16 MP का F1.8 इसके अपर्चर वैल्यू के साथ में। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस कैमरा है 8 MP का F2.2 इसकी अपर्चर वैल्यू है। वहीं जो थर्ड कैमरा है वो है 5 MP का F2.4 इसकी वैल्यू के साथ में। फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो दोस्तों फ्रंट कैमरा है 32 MP का F2.0 अपर्चर वैल्यू के साथ में। बस इसमें भी दोस्तों कुछ खास है नहीं कैमरे में, कैमरे में वही जो आज तक चलता आया था वही आपको मिलेगा, कुछ नया इसमें आपको देखने को अभी नहीं मिलेगा। तो कैमरे के मामले में दोस्तों आपको लगेगा कि ओप्पो A920 20 वीवो S1 पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा है, क्योंकि ओप्पो A920 20 दे रहा है 48 MP का कैमरा, वहीं S1 दे रहा है 16 MP का कैमरा। एक तरफ है क्वाड कैमरा और दूसरी तरफ है ट्रिपल कैमरा। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपने 48 MP के कैमरे वाला पहले कोई फ़ोन चलाया है और आप उससे खींच लेते हो अच्छी अच्छी फ़ोटो, तो आपको ज़रूर लगता होगा कि कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। लेकिन बात की जाए दोस्तों रियलिटी की, तो आप उस 48 मेगापिक्सल के कैमरे वाले फ़ोन को किसी अच्छे ब्रांड के
12 मेगापिक्सल कैमरे के सामने रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा 48 मेगापिक्सल का कैमरा है और कौन सा 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, कौन एक्चुअल क्लियरिटी दे रहा है और कौन केवल नंबर्स दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आईफोन एक्स और एक्स आर के 12 मेगापिक्सल के कैमरे के सामने आप इनका 48 मेगापिक्सल का कैमरा रखोगे तो आपको डेफिनेटली आपका भ्रम टूट जाएगा, या फिर नोट 8 के 12 मेगापिक्सल के कैमरे के सामने ये 48 मेगापिक्सल भी आपको बहुत ज़्यादा फीका लगेगा। तो दोस्तों नंबर्स पे मत जाइए, आप एक्चुअल क्लियरिटी पे जाइए। बाकी दोस्तों ये तो ही कैमरे की बात, अब बात करते हैं प्रोसेसर। सबसे पहले बात करते हैं ओप्पो A9 2020 की। तो इसमें मिलेगा आपको 2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो बेस्ड है स्नैपड्रैगन 665 पे। ये एक 11 नैनोमीटर का प्रोसेसर है दोस्तों। साथ ही इसमें मिलेगी आपको 5000 mAh की बिग बैटरी। टाइप सी इसमें आपको देखने को मिलेगा। रिवर्स चार्जिंग कर सकते हैं आप इस फ़ोन से दूसरे फ़ोन में। सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन एक चीज़ की कमी है। एक तो है दिए है इन्होंने 5000 mAh की बैटरी, दूसरी तरफ ये फ़ोन सपोर्ट करता है 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग को। मतलब इस फ़ोन में आप फास्ट चार्जिंग भी नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों, इसमें मिलता है आपको स्नैपड्रैगन 665। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो दोस्तों ओप्पो A5 2020 में भी स्नैपड्रैगन 665 है और वो एक 14000 रुपये का फ़ोन है। मतलब एक 14000 रुपये के फ़ोन में भी आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 665 और एक 20000 रुपये के फ़ोन में भी मिलता है आपको स्नैपड्रैगन 665। ये बिक गई है गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये आपको एक नाइंसाफी से फील होगी। तो चलिए दोस्तों छोड़ो इसको, अब बात करते हैं वीवो S1 के प्रोसेसर एंड बैटरी की। तो इसमें मिलता है आपको 2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो बेस है MediaTek Helio P65 पे। बैटरी मिलती है आपको 4500 mAh की। USB टाइप बी मिलेगा। 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। इसमें भी कमी आपको ये मिलेगी, इसमें भी प्रोसेसर प्राइस के हिसाब से नहीं दिया गया है, MediaTek Helio P65 दिया गया है। वहीं दूसरी बात बात करें, इसमें 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मिलेगा आपको USB टाइप बी। मतलब यार 20000 रुपये के फ़ोन खर्च करने के बाद भी आपको USB टाइप बी आजकल देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों ये हो गई प्रोसेसर और बैटरी की बात, अब बात करते हैं कुछ एडिशनल फीचर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं वीवो S1 की ही। तो इसमें आपको एंड्रॉयड पाई देखने को मिलेगा, गेम बूस्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप गेम खेलते हैं तो गेमिंग इसमें आप इजीली कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट मिलेगा, फेस अनलॉक मिलेगा और वेरियंट मिलेगा इसमें 6 GB RAM 128 GB मेमोरी वाला। इसका प्राइस है दोस्तों 19990 रुपये। वहीं बात की जाए अगर ओप्पो A9 2020 की, तो इसमें भी आपको एंड्रॉयड पाई देखने को मिलेगा जो बेस्ड है ColorOS 6.0.1 पे। डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एक अच्छी बात दोस्तों इसमें कि ये फ़ोन है वाइड वाइन L1 सर्टिफाइड। मतलब अगर आप Amazon प्राइम पे, नेटफ्लिक्स पे HD कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस फ़ोन में आप वो HD कंटेंट प्ले कर सकते हैं। ये फ़ोन इतना कैपेबल है कि इस कंटेंट को HD में प्ले कर सकता है। बाकी दोस्तों वही आपको गेम बूस्ट का ऑप्शन मिलेगा, फेस अनलॉक मिलेगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। वेरिएंट की बात की जाए तो दोस्तों 8 GB RAM 128 GB मेमोरी वाला वेरिएंट मिलेगा आपको 19990 रुपये का। फिंगरप्रिंट में दोस्तों थोड़ा खास आपको वीवो S1 में देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो एक नई चीज़ है। वहीं ओप्पो A9 2020 में वही आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों इस फ़ोन में और कुछ खास है नहीं। दोस्तों फाइनली अगर कंपेयर करें दोनों फ़ोनों को तो आपको वीवो S1 यहाँ पे जीतता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों नंबर्स पे बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि अगर आप एक्चुअल में कंपेयर करेंगे दोनों फ़ोनों को, दोनों फ़ोन की परफॉर्मेंस, तो वीवो S1 की परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। बेटर फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिलेगा, बेटर डिस्प्ले क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस कंपैरिजन में इतना ही, बाकी आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।